हाय फ्रेंड्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट द एसोसिएटिविटी। ऑलरेडी हमने कम्यूटेटिविटी एंड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सारा नंबर्स का डिस्कस कर लिया था। आज जो एसोसिएटिविटी है वो रेशनल नंबर्स के लिए चेक करेंगे। रेशनल नंबर्स क्या होता है वो भी हमने डिस्कस कर लिया था। एसोसिएटिविटी में क्या होता है, तीनों नंबर्स लेते हैं हम ए बी सी एंड तीनों को अरेंज करके, कैसे, ए होल प्लस बी प्लस सी, अगर ए प्लस बी होल प्लस सी के साथ इक्वल हो जाता है, इसका मतलब रेशनल नंबर्स का जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिविटी में आ जाता है या फिर प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज साई सेम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स विद साई। तो ऑलरेडी मैंने लिख रखा है तीनों नंबर्स जो पी बाई क्यू फॉर्म में है। नाउ वी विल स्टार्ट एडिंग 4/5 प्लस 3 and 7, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 21। क्यों? क्योंकि 3 प्राइम है, 7 भी प्राइम है। 21/3, 7 × 2 14 होता है। 21/7, 3 × 5 होता है 15। नाउ 4/5 प्लस 14 प्लस 15 होता है 29/21। ओके, अब ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा कितना, 5 यहाँ पे प्राइम है, फिर से इंटू करना पड़ेगा एलसीएम पाने के लिए। तो यहाँ आ जाएगा 105/5 होता है 21 × 4 = 84 प्लस 105/21 होता है 5 × 29 क्या होगा, 5 × 9 = 45, 5 × 4 = 10 प्लस 4 = 13। ओके, तो 4 + 5 हो जाएगा 9, 8 + 4 = 12, 2 here 1 carry, 1 + 1 = 2। ये हो गया हमारा LHS। अब RHS की बारी, पहले हम ब्रैकेट के अंदर काम ख़त्म करेंगे। 5 and 3 अगेन दोनों प्राइम है, तो 5 प्राइम नंबर्स का LCM हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इंटू 15/5 होता है 3 × 4 होगा 12 प्लस 15/3 होता है 5 × 2 होगा 10 प्लस 5/7। नाउ 12 + 10 होता है 22/15 + 5/7। 15 and 7 का LCM कितना हो जाएगा, 7 प्राइम है, फिर से दोनों का इंटू, मतलब 105/15 होता है 7, 22/7 = 154 प्लस ये हो जाएगा 15 × 5 = 75। ठीक, दोनों को ऐड कर लेते हैं, 4 + 5 होता है 9, 5 + 7 = 12, 2 here 1 carry, 1 + 1 = 2, दैट इज 229/105 विच वॉज ऑल्सो इन LHS। मतलब दोनों का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का जो रिजल्ट था राइट हैंड साइड के साथ इक्वल आ रहा है। तो एसोसिएटिविटी का जो पहला था, मतलब एडिशन विच इज इक्वल इन बोथ LHS एंड RHS, तो एडिशन के केस में ये फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट रहा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन। तो हम सीधा चलते हैं मल्टीप्लिकेशन के पास, ओके, क्योंकि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में नहीं होगा जो ऑलरेडी हमने कम्यूटेटिविटी में चेक किया था। तो मल्टीप्लिकेशन में हम चेक करेंगे एसोसिएटिविटी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑलरेडी सेम नंबर्स को मैंने सेट कर लिया, तो पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है जो नंबर से उसको इंटू करेंगे, फिर बाहर वाले के साथ। तो 25 जा हो जाता है 10, 37 जहाँ हो जाता है 21, ब्रैकेट दे सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, चलो मिटा देते हैं। अब यहाँ पे 5, 1 + 5, 5 × 2 = 10 कैंसिल हो सकता है, 4 × 2 = 8 / 1 × 21 = 21। ओके, ये हो गया LHS। RHS के पास चलते हैं, पहले हम ये दोनों को इंटू करेंगे, ओके, 4 × 2 = 8, 5 × 3 = 15 × 5/7, यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हो सकता है, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, ओके, 8 × 1 = 8, 3 × 7 = 21, मतलब 8/21 यहाँ पर भी 8/21। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो एसोसिएटिविटी होता है रेशनल नंबर्स के अंडर वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। बाकी रहा सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, तो मैंने बोला था सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में नहीं होगा, आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था रेशनल नंबर्स के लिए। बाकी
इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स में भी सेम होता है, मतलब एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिविटी काम करता है, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में नहीं करता है। ठीक है, ये था प्रॉपर्टीज़। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, ये होता क्या है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब ए होल इंटू बी प्लस सी इक्वल्स विथ ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अगर LHS का वैल्यू RHS के साथ इक्वल हुआ, इसका मतलब ये जो रूल है ये सही है, अगर नहीं हुआ तो गलत है, ऑब्वियसली हो जाएगा। तो टेस्ट करते हैं, ऑलरेडी मैंने वैल्यू लिख रखा है। ठीक है, चेक करते हैं डिस्ट्रीब्यूटी ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कैसा है। ए होल इंटू बी प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये होता है हमारा LHS। तो वैल्यू हो गया, ए का वैल्यू माइनस 3/4 इंटू बी के बदले 2/3 माइनस 5/6। तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर जो है उसका काम निपटाएंगे, माइनस 3/4 इंटू 3 एंड 6 का LCM फिर से हो जाएगा 6, क्योंकि 3 यहाँ पे 6 का क्या है फैक्टर है, तो इसलिए 6 हो जाएगा हमारा LCM। 6/3 2 इंटू 2 होता है 4 प्लस 6/6 1 इंटू माइनस 5 हो जाएगा वही माइनस 5। नाउ माइनस 3/4 इंटू 4 प्लस माइनस 5 हो जाएगा माइनस 1/6, क्योंकि ये बड़ा वाला नंबर है, इसके पास नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन देके 5 से 4 माइनस करेंगे। ठीक है, अब साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव नहीं चलेगा, मतलब लिखेंगे नहीं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अब माइनस इंटू माइनस प्लस 1 1 1, 4 2 जा 8 हो गया हमारा LHS। RHS में चेक करेंगे क्या, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, a इंटू बी में a क्या है माइनस 3/4 इंटू बी क्या है 2/3 प्लस अगेन a क्या है माइनस 3/4 इंटू सी क्या है माइनस 5/6। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो सकता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 3 भी कैंसिल हो सकता है, तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे एक ही माइनस है, माइनस 1/2 प्लस, यहाँ पर भी कैंसिल हो सकता है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इंटू 5 5, 4 2 जा 8। तो पहले हम साइन के साथ साइन इंटू करेंगे, फिर नंबर के साथ नंबर इंटू करेंगे। ठीक है, 2 एंड 8 का LCM फिर से हो जाएगा 8, बिकॉज 2 इज़ द फैक्टर ऑफ 8 ईयर, 2 8 का फैक्टर है, इसलिए 8 हो जाएगा हमारा, जो बड़ा वाला नंबर होता है वो हो जाएगा क्या LCM। 8/2 होता है 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 प्लस, ये ऑलरेडी 8 है मतलब 5 आ जाएगा सीधा, माइनस 4 प्लस 5 होता है 1/8, यहाँ पर भी 1/8, ये भी 1/8। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, हमें दोनों तरफ सेम आंसर आ रहा है, तो a होल इंटू बी प्लस सी इज इक्वल विथ a इंटू बी प्लस a इंटू सी, सेम। अगर इसको ओवर सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन में सीधा लिख देता हूँ, यहाँ पे a होल इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू a इंटू बी, a इंटू बी, ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, a इंटू सी। क्लियर, फिर से चेक करते हैं, a होल इंटू बी माइनस सी, तो पहले हम ये दोनों को इंटू करेंगे, a इंटू बी, ये जो माइनस साइन बीच में है ये यहाँ आ जाएगा, फिर a इंटू सी। ठीक है, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये आंसर भी सेम आएगा, हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था रेशनल नंबर्स का लास्ट वाला प्रोडक्ट, मतलब प्रॉपर्टी। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं और दो प्रोडक्ट हैं, क्या होता है वो, प्रॉपर्टी या फिर प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज है, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एंड रेसिप्रोकल, क्या होता है। तो एडिटिव आइडेंटिटी ऑलरेडी हमें पता है कि जीरो होता है, तो जीरो क्यों होता है, किसी भी नंबर के साथ अगर हम जीरो ऐड करते हैं, मान लो एक नंबर 5 है, उसके साथ जीरो ऐड करेंगे, रिजल्ट में हमें 5 मिलेगा, या फिर जीरो के साथ किसी नंबर को ऐड करते हैं तो भी हमें वही सेम नंबर मिलता है।
मतलब नंबर के साथ जीरो हो या फिर जीरो के साथ नंबर हो, नंबर में कोई चेंजेस नहीं होता है, मतलब वही सेम टू सेम नंबर रहता है, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है दैट इज जीरो। ओके, अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब किसी भी नंबर के साथ, एक नंबर मान लो -3/5, इसी के साथ मैं 1 × करूँगा तो रिजल्ट में हमें वही -3/5 मिल रहा है। एंड अगर मैं बताऊँ 1 के साथ वही -3/5 को इंटू करता हूँ तो भी हमें वही मिल रहा है। मतलब नंबर के साथ 1 × करो या फिर 1 के साथ नंबर को इंटू करो, मतलब दोनों का आंसर सेम आता है, कोई चेंजेस नहीं आता है। इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम 1 मानते हैं। एंड एडिशन का टाइम किसी भी नंबर के साथ 0 या फिर 0 के साथ कोई भी नंबर ऐड करने से वही सेम नंबर मिल रहा है, इसलिए 0 हो जाता है हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक, तो ये 0 और 1 इसके बाद ख़त्म। अब आता है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एक नंबर मान लो ए है, उसके साथ मुझे एक ऐसा नंबर को ऐड करना है तो रिजल्ट में हमें 0 मिलेगा। तो ए के साथ क्या ऐड करने से 0 आएगा, नेगेटिव ऑफ ए मतलब माइनस ए। ठीक है, वैसे ही अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -4/3, ठीक, तो इसके साथ मैं जितना ऐड करने से रिजल्ट में मुझे 0 मिलेगा, दैट इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4/3। तो ऑफकोर्स यहाँ पे 4/3 अगर मैं लिखूँगा तो दोनों का सम हो जाएगा 0। ठीक है, तो नेगेटिव नंबर का जो एडिटिव इन्वर्स होता है वो पॉजिटिव ला आ जाता है। एंड अगर 4/3 का एडिटिव इन्वर्स में बताऊँ यहाँ पे -4/3, ऐसे यहाँ पर माइनस ए का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा ए, ए का एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। अब आया रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या है, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 5/7, तो उसके साथ एक ऐसा नंबर मुझे इंटू करना है रिजल्ट में मुझे 1 आएगा। तो 5/7 के साथ अगर मैं 7/5 इंटू करूँगा तो रिजल्ट में मुझे 1 आ जाएगा। इसका मतलब 5/7 का रेसिप्रोकल होता है 7/5। सेम 7/5 के साथ 5/7 इंटू करने से भी 1 आता है, इसका मतलब 7/5 का भी रेसिप्रोकल होता है 5/7। एक और एग्जांपल 3, तो 3 के साथ कितना ऐड इंटू करूँगा तो रिजल्ट में हमें 1 आएगा। 3 के साथ अगर मैं 1/3 इंटू करूँगा तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा एंड मुझे 1 मिल जाएगा। इसका मतलब 3 का जो रेसिप्रोकल होता है 1/3 एंड 1/3 का रेसिप्रोकल होता है 3। ओके, और एक नंबर लेते हैं यहाँ पे 1/7, तो 1/7 के साथ कितना इंटू करने से 1 मिलेगा, 1/7 के साथ 7 इंटू करने से 1 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे भी 1/7 एंड 7 आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। 1/7 का रेसिप्रोकल 7 है, 7 का रेसिप्रोकल 1/7 है। अगर पूछेंगे क्यों, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है 1। ठीक, तो ये था रेशनल नंबर्स और उसके प्रॉपर्टीज़। तो ऑलरेडी हमने 2 क्लास में इसको कंप्लीट कर दिया, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये था आज के लिए, थैंक यू।